नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है अजमेर राजस्थान से। अजमेर में एक और कोचिंग संचालक पर मुकदमा दर्ज किया, आरोप है कि छेड़खानी की। फिलहाल जानकर मिली संचालक कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं। फिलहाल परिजन पहुंचे तो यहां पर जमकर विवाद किया, मामला मारपीट तक पहुंच गया। अलवर गेट थाने के सीआई श्याम सिंह ने मामले की जानकारी दी कि दोनों पक्षों ने शिकायत की है, फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित पक्ष की ओर से वे कालू की ढाणी सरस्वती नगर स्थित कोचिंग सेंटर में एक साल से पढ़ रही है। 3-4 महीने से उसे पढ़ाई के लिए प्रताड़ित किया जा रहा, कई बार उसे अपशब्द कहकर क्लास से बाहर तक निकाल लिया। इस मामले को लेकर सेंटर संचालक ने उसके परिजन को बुलाया, उसका भाई और परिवार के लोग। शिकायत के बारे में जानने के लिए सेंटर पहुंचे तो उसकी संचालक से कहासुनी हो गई और मामला विवाद में पहुंच गया। इस दौरान सेंटर का स्टाफ और अन्य स्टूडेंट के अलावा बाहर के लोगों की भीड़ लग गई और संचालक सुमित गोयल, कोचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स ने यहां पर धक्का मुक्की की। यह मामला सामने आ रहा है, लेकिन कोचिंग संचालक पर मुकदमा छेड़खानी का दर्ज किया गया है। अब मामले की जांच की जा रही है। तमाम खबरों के लिए बन रही जय हिंद दोस्तों।